अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल। टुडे स्टूडेंट्स, वी गोना स्टडी द बुक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इन ग्रेड वन। सो ग्रेड वन स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एंड कम विद मी ऑन पेज नंबर 32। ऑन पेज नंबर 32 स्टूडेंट्स, वी हैव यूनिट 4 ग्रेड वन। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी ओनली रीड एंड अंडरस्टैंड दिस यूनिट। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर टुडेज लेसन। ग्रैंडमा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर बच्चों ऐसी चेयर है जो कि आगे पीछे हरकत करती है, यानी झूला देती है। पिक्चर में दिखाई गई है बच्चों, ये वाली चेयर रॉकिंग चेयर कहलाती है। ही इज़ रॉकिंग स्लोली, वो झूल रही थी आहिस्ता आहिस्ता। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, आगे और पीछे। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, आगे और पीछे। द रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग अ नॉइज़, जो रॉकिंग चेयर थी बच्चों वो शोर मचा रही थी, मतलब लाइक उससे आवाज़ आ रही थी। क्रीक स्क्वीज, क्रीक स्क्वीक। ग्रैंडमा शट्स हर आइज, ग्रैंडमा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जॉन, सारा, टॉम एंड जिल कम इनटू द रूम। जॉन, सारा, टॉम और जिल जो हैं कमरे में आए। दे कैन हेयर इनटू द रॉकिंग चेयर, वो रॉकिंग चेयर की आवाज़ को सुन सकते थे। क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। द चिल्ड्रन एट ग्रैंडमा, द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंडमा, ग्रैंडमाज आइज आर शट, द चिल्ड्रन गिगल। बच्चों ने ग्रैंडमा की तरफ देखा, ग्रैंडमा की आंखें बंद थी, बच्चे आपस में मुस्कुराए, गिगल किया उन्होंने, वो हंसे आपस में हल्का हल्का सा। ग्रैंडमा ओपन्स वन आई, शी स्माइल्स, ग्रैंडमा ने अपनी एक आंख खोली और वो मुस्कुराई। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा, जॉन आस्क, जॉन ने पूछा, ग्रैंडमा क्या आप थक गई हैं। द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग, जो रॉकिंग चेयर थी उसने झूलना बंद नहीं किया। प्लीज़ टेल अस ग्रैंडमा, से जिल, जिल ने कहा, प्लीज़ ग्रैंडमा हमें बताइए। वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। कैन यू डू, आस्क ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने पूछा तुम क्या कर सकते हो। वट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। ग्रैंडमा स्माइल्स, ग्रैंडमा मुस्कुराई। यू कैन डू एनी थिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। शी सेज, उन्होंने कहा। You can write, तुम लिख सकते हो। You can read, तुम पढ़ सकते हो। You can play, तुम खेल सकते हो। You can sing, तुम गा सकते हो। You can dance, तुम रक्स कर सकते हो। Can you dance, grandma? Grandma, आप क्या डांस कर सकती हैं, Ask Tom, Tom ने पूछा। No, no, says grandma, grandma ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, My bones are old, मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं। कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा, क्या आप उड़ सकती हैं ग्रैंडमा, आस्क जिल, जिल ने पूछा। कैन यू जंप ओवर द मून, आ ग्रैंडमा, आस्क जॉन, जॉन ने पूछा, क्या आप चाँद पर से छलांग लगा सकती हैं ग्रैंडमा। कैन यू राइड अ साइकिल ग्रैंडमा, आस्क सारा, सारा ने पूछा, ग्रैंडमा क्या आप साइकिल चला सकती हैं। द रॉकिंग चेयर स्टॉप रॉकिंग, झूलने वाली चेयर कुर्सी झूलना बंद हो कर गई, बंद हो चुकी थी, वो रुक गई। कैन यू सी अ बर्ड इन दैट ट्री, क्या तुम लोग वो परिंदा देख सकते हो दरख्त पर, आस्क ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने पूछा। यस से द चिल्ड्रन, जी हाँ बच्चों ने कहा। गुड सेज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा था अच्छा है। नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विद इट, अब उड़ जाओ और जाकर उसके साथ खेलो। द चिल्ड्रन रन अवे, बच्चे भाग गए। ग्रैंडमा स्माइल्स, ग्रैंडमा मुस्कुराई। द रॉकिंग चेयर स्टार्ट्स रॉकिंग, रॉकिंग चेयर दोबारा से झूलना शुरू हो गई। क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। बच्चों ये था हमारा आज का सबक, ग्रैंडमा, जो कि शुरू हुआ कि ग्रैंडमा अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठी हैं, रॉकिंग चेयर झूलने वाली कुर्सी, ग्रैंडमा अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी। तभी उनके पास उनके बच्चों के बच्चे आए, यानी उनके पोते और पोतियाँ आए, जॉन, सारा, टॉम एंड जिल, वो कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने वो रॉकिंग चेयर की आवाज़ सुन सकते थे। उन्होंने ग्रैंडमा को देखा, ग्रैंडमा की आंखें बंद थी, वो लोग आपस में मुस्कुराए, गीगल किया उन लोगों ने आपस में, और तब ग्रैंडमा ने एक आंख अपनी खोली और उनसे मतलब उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बच्चों ने ग्रैंडमा से पूछा कि आप थक चुकी हैं ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने उनको बताया, ग्रैंडमा ने अपनी रॉकिंग चेयर की मूवमेंट को बंद नहीं किया, वो ऐसे ही झूल रही थी। तब फिर एक एक करके सब बच्चों ने उनसे तरह तरह के सवाल करना शुरू किए, ग्रैंडमा क्या आप उड़ सकती हैं, ग्रैंडमा क्या आप रक्स कर सकती हैं, ग्रैंडमा क्या आप चांद पर चढ़ सकती हैं, तो तरह तरह के अजीब अजीब से क्वेश्चंस करना शुरू किए। वो ग्रैंडमा से बातें कर रहे थे, उनको तंग कर रहे थे। तभी ग्रैंडमा ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों को बाहर परिंदा नज़र आ रहा है।
जिस पर बच्चों ने हाँ कहा और ग्रैंड माँ ने उनको बोला तो जाओ उठ जाओ और उस परिंदे के साथ खेलो, जिस पर बच्चे सब भाग गए और चले गए और ग्रैंड माँ ने वापस अपनी रॉकिंग चेयर पर मूव करना शुरू कर दिया। ये तो बच्चों आज का सबक हमारा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स यू मस्ट रीड दिस यूनिट 4 to 5 times टू लर्न इट्स डिफिकल्ट वर्ड्स। आई होप स्टूडेंट यू विल डू दिस। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।